मतलब क्या होता है डेज का, इनको क्या कहते हैं? सेवन डेज होते हैं तो क्या बोलते हैं? वन वीक। क्या बोलते हैं? वन वीक। जब हम वीक बोलेंगे तो इसका मतलब है उसमें सेवन डेज हुए। जब 14 डेज हो गए तो हम क्या बोलेंगे? फोर्टनाइट। 30 डेज हो गए उसका क्या बनता है? वन मंथ। पता है ना एक मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 कभी 31, फिर 365 डेज होते हैं उसका क्या होता है? वन ईयर। वन ईयर क्या बनता है? वन ईयर। कभी कभी 366 डेज भी होते हैं, जैसे तुम लोगों ने देखा है कि फरवरी में कभी 28 डेज हो गए, कभी 29 डेज हो गए, तो वो क्या होता है? वन लीप ईयर। ये वन लीप ईयर कितने ईयर में आता है? 4 साल में, है ना, पढ़ा है ना। फिर 12 मंथ का क्या बनता है? वन ईयर। वन ठीक है। फिर 10 इयर्स का क्या बनेगा? वन डिकेड। आप देखो 365 डेज का भी वन ईयर बनता है और 12 मंथ्स का भी वन ईयर बनता है। एक साल में कितने दिन होते हैं? दिन अगर पूछा गया तो 365 डेज, और महीने पूछे गए तो 12 महीने। ठीक है, इसलिए दोनों में वन ईयर आया है। फिर है 25 इयर्स को क्या बोलते हैं? सिल्वर जुबली। क्या बोलते हैं? सिल्वर जुबली। 50 इयर्स को क्या बोलते हैं? गोल्डन जुबली। 50 साल हो जाते हैं किसी चीज को, जब 50 साल हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? गोल्डन जुबली। फिर 60 इयर्स हो जाते हैं किसी चीज को तो क्या बोलेंगे? डायमंड जुबली। डायमंड जुबली। डायमंड जुबली। जुबली जुबली नहीं, जुबली। फिर 70 इयर्स हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? प्लैटिनम। प्लैटिनम। प्लैटिनम जुबली। जुबली। फिर 100 साल हो जाते हैं किसी चीज को तो क्या बोलते हैं? वन सेंचुरी। वन सेंचुरी। क्या बोलते हैं? वन सेंचुरी। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि वन सेंचुरी में कितने होते हैं? 100 साल होते हैं। प्लैटिनम जुबली पूछा गया तो 70 ईयर्स। डायमंड जुबली पूछा तो 60 ईयर्स। गोल्डन जुबली 50 ईयर्स। सिल्वर जुबली 25 ईयर्स।